तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। एंड दोस्तों यहां से आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। एंड दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहां पर youtube.com सर्च करना है। एंड दोस्तों यहां पर youtube.com सर्च करने के बाद आपको इसे एक बार डेस्कटॉप साइट पर खोल लेना है। यहां से मैं खोल लेता हूं। एंड दोस्तों डेस्कटॉप साइट पर खोलने के बाद जो ये आपके चैनल का लोगो दिख रहा है तो आपको इस पर टैप करना है। एंड दोस्तों यहां टैप करने के बाद तो फ्रेंड्स मैं यहां से अपना वो वाला चैनल सेलेक्ट कर लेता हूं जिस अकाउंट का या जिस यूट्यूब चैनल का मुझे URL चेंज करना है। ओके, तो फ्रेंड इस वाले का तो सब ठीक ही है, मैं इस वाले का चेंज करना चाहता हूँ RK2 व्लॉग्स का। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक बार करना क्या है, इस लोगो पर जाना है। लोगो पर जाने के बाद ये योर चैनल है तो योर चैनल पर जाना है। एंड योर चैनल पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। फिर आपको यहाँ कस्टमाइज चैनल पर जाना है। एंड कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सिंपली यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होता है चैनल कस्टमाइजेशन का। ओके, तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो ये लेआउट पर ऑप्शन है तो फिर आपको यहाँ पर ब्रांडिंग पर आना है। एंड ब्रांडिंग पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बेसिक इन्फो पर आना है। एंड दोस्तों बेसिक इन्फो पर आने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मेरे चैनल की अभी कस्टम URL है कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कस्टम URL www.youtube.com/c/RK2BlogsRamKishan। तो दोस्तों इस अपने URL को मुझे छोटा करना है, अभी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसे चेंज करने के लिए हमें करना क्या, सिंपली इसे डिलीट कर देना है। ओके, तो चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज रिडायरेक्ट होकर ओपन होता है। तो आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है। एंड नीचे की तरफ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर YouTube कस्टम URL लिखा हुआ है, तो आपको इसे डिलीट करना है। ओके, तो डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, इसे टैप करना है। जब आप इस पर टैप करते हैं तो आपको एक बार इस तरह से पेज ओपन होता है, फिर आपको यहाँ से रिमूव कर देना है इसे। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से रिमूव हो जाता है। ओके, एंड दोस्तों एक जब ये रिमूव हो जाता है फिर आपको बैक वहीं पर आ जाना है। एंड बैक आने के बाद वही क्रोम ब्राउज़र पर आना है। ओके, एंड दोस्तों अब यहाँ से आपको दोबारा से कस्टमाइज चैनल पर जाना है। एंड कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद आपको फिर से यहाँ बेसिक इन्फो पर आना है। एंड दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका सेट अ कस्टम URL फॉर योर अकाउंट योर चैनल। दोस्तों अब यहाँ पर आपको नया कस्टम URL सेट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मैं सेट कर लेता हूँ अपना कस्टम URL। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपके चैनल का नेम है, ओके, तो स्टार्टिंग में आपके चैनल का नेम ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपने कस्टम URL में, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल जोड़ना नहीं है, मुझे यही रखना है जो कि मेरे चैनल का नाम है छोटा सा। ओके, तो मैं इसे ही रखता हूँ। एंड दोस्तों आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। एंड दोस्तों एक बार कन्फर्म का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो कस्टम URL है ये RK2 ब्लॉग्स हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप अपने कस्टम URL को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ओरिजिनल कंटेंट के साथ टेक्ट वीडियोज लेकर आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।